दोनों, आज हम वापस से आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 9 संस्कृत ग्रामर अभ्यास 1, जिसको टेक्स्ट बुक के अंदर नाम दिया गया है पुनरावर्तनम। आशा करता हूँ एक नई शुरुआत है स्टैंडर्ड 9 के साथ, संस्कृत ग्रामर यानी कि व्याकरण के साथ। ऐसा कहा जाता है कि स्टैंडर्ड 9 के अंदर अगर आपका संस्कृत का बेस अगर बहुत ही अच्छा होता है, तो आगे चलकर जहाँ पर आपको बोर्ड की पसंदगी करनी है सब्जेक्ट वाइज, या आप ले सकते हो संस्कृत या आप ले सकते हो हिंदी, तो वहाँ पर बहुत ही आसान रहता है कि संस्कृत सब्जेक्ट पसंद करना, संस्कृत विषय पसंद करना, और उसके साथ संस्कृत के अंदर आपको 100 में से जो स्कोर होता है, जो सबसे अच्छे आपके मार्क्स लिस्ट या फिर आपका जो मार्कशीट बनता है उसके अंदर एक बहुत अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं, तो उसका जो बेस है दैट इज़ संस्कृत ग्रामर है। एंड ये संस्कृत ग्रामर आपसे मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ सिखाने की। तो आपके सामने है अभ्यास नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 संस्कृत। अभ्यास 1 के अंदर बताया गया है कि वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य जो है वो किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि अगर ट्रेन होती है तो ट्रेन के अंदर पहला इंजन होता है, उसके बाद उसमें अलग अलग डिब्बे सेट किए जाते हैं, उस डिब्बे के लाइन वाइज सेट करने का जो कार्य होता है, उसी तरह से वाक्य के अंदर सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, करण आता है, एंड उसी तरह से संप्रदान अपादान अधिकरण, एंड लास्ट के अंदर होता है क्रिया और सहायकारक क्रियापद। यहाँ पर हम वाक्य को पढ़ते हैं जरा ध्यान से। सह छात्र वेदम पठती, मतलब पहलो विद्यार्थी वेद ने भाणे छे अथवा वाँचे छे। हे बालक तुम वेदम पठसी, अहम प्रातः वेदम पठामी। आ त्रीणी अपने 8वां धोरण में मतलब इस स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। क्रियापद की रचना किस तरह से की जाती है, कहाँ पर कर्ता होता है, कहाँ पर कर्म होता है, उसकी जानकारी हम ये छोटे से पुनरावर्तन के द्वारा यानी कि 8 स्टैंडर्ड का थोड़ा समझ लेते हैं। आ त्रीणी वाक्य अंदर पठ वो एक धातु है। धातु क्या होता है? ऐसा शब्द जिसमें से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अब पठ अगर शब्द है तो पठती, पठामी, पठसी। अब इसके अंदर कॉमन क्या आया? दैट इज पठ। तो जो पठ होता है दैट इज धातु। गुजराती में अगर बात करें तो लखवू, लखशे, लखावशे किस पे से बना? लख में से। रमवू, रमार्षे, रम तो किस में से बना? रम में से। तो रम, लख, पठ, ये सारे जो शब्द हैं जिसमें से बहुत सारे दूसरे वर्ड बनते हैं वो मेन वर्ड को कहते हैं, दैट इज धातु। तो यहाँ पर पठ जो है वो धातु है। आ पठना धातु ने जे रूपों वपराय छे ते जुदा जुदा हुए, जम के पहला वाक्य में पठती यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में पठसी इस्तेमाल हुआ है, और तीसरे में देखो पठामी इस्तेमाल हुआ है। अब कहाँ पर ती, कहाँ पर सी और कहाँ पर मी इस्तेमाल करना है वो हमें यहाँ पर समझना है। इसके अंदर जहां पर सह का इस्तेमाल होता है तो सह मतलब ते या फिर आप कह सकते हो पेल्लो, वो एक ही वचन में है। अगर एक वचन होता है, एक ही व्यक्ति होता है, एक ही पर्सन होता है, तो उसके साथ हमेशा उसके क्रियापद के एंड में ती लगाना पड़ता है। पर अगर वो चीज द्विवचन में है या फिर सेकंड पर्सन के हिसाब से, आप बताया हे बालक, यहाँ पर देखो त्वम यानी कि तू होता है, तो त्वम के साथ हमेशा सी लगाया जाता है। पर अगर वहां पर अहम यानी कि हूं, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, वहां पर होता है तो वहां पर मी लगाना पड़ता है, तो उसे आगे लगता है आ यानी कि आमी लगाना पड़ता है। इस तरह से ती जो होता है वो थर्ड पर्सन यानी कि स के लिए होता है, त्वम जो होता है वो सेकेंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष के लिए होता है, सी लगाया जाता है, एंड अहम जो होता है उसके अंदर आमी लगाना होता है। ये हमें आगे लर्न करना है। अहीं वपरायेलू स ते तदनु यानी कि त्वमनु यानी कि युष्मत पद का रूप है, जबकि अहम अस्मत का प्रथम वचन का एक वचन का रूप है। इसके कारण से प्रथम विभक्ति के अंदर, द्विवचन के अंदर, बहुवचन के अंदर क्या क्या फेरफार होता है वो हमें यहाँ पर समझना है। तो ये टेबल हमें टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक कोष्टक दिया हुआ है, ध्यान से समझते हैं। अहम तो अहम के साथ हमेशा आमी लगाना होता है, यानी कि जैसे हम लर्न करते हैं मी वह मह सी थह ती तह अंति। आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो कि आप पठ के साथ आ लगाया गया है, तो फर्स्ट जो लाइन होती है यानी कि उत्तम पुरुष की जो लाइन होती है
उसमें आ लगाना कंपलसरी है, इसलिए इसको कहते हैं आमी आव आमह, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अहम का मतलब हूँ, हूँ के साथ हमेशा आमी लगाना है, ठीक है। आवाम का मतलब क्या होता है, अमे बनने, अमे बनने के अंदर हमेशा आपको आव लगाना है। एंड वयम का मतलब होता है अमे बधा, वहाँ पर आपको आमह लगाना है। इसी तरह से त्वम का मतलब होता है तू, युवाम का मतलब होता है तमे बनने, युयम का मतलब होता है तमे बधा। एंड नाउ अन्य पुरुष के अंदर क्या होता है, उसको कहते हैं ते या फिर पेल्लो कहते हैं। सह पुलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, अगर स्त्रीलिंग होता है तो सा इस्तेमाल होता है। उसी तरह से तो मतलब ते यानी कि पेल्ला बनने, अने ते वो आता है ते बधा। अब जब ते आता है तो उसके एंड में आता है अंति, यहाँ पर आता है तह, यहाँ पर आता है ती, ये हमें लर्न करना है। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी नाम होता है ना वो हमेशा अन्य पुरुष में आता है। सुरेश नाम है, महेश नाम है, हिमालय नाम है, गंगा एक नाम है, जब भी नाम आए पर वो एक ही व्यक्ति है तो वो एक वचन के हिसाब से वहाँ पर आपको उसके क्रियापद के एंड में आपको ती लगाना है ना। उसी तरह से अगर दो व्यक्ति है लाइक रमेश और सुरेश, दो व्यक्ति है तो उसके अंदर जो क्रिया आएगी उसमें तह लगाएंगे। पर अगर दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा है तो लोग बहुवचन में है, यानी कि रमेश सुरेश और महेश कोई भी नाम आ जाते हैं तो उसके एंड में आएगा अंति। आ ऊपर थे अपने याद रखवानू छे कि वाक्य में जा रहे त्वम युवाम युयम यानी कि युष्मत पद का प्रथम विभक्ति आता है तो उसमें सी थ और थ लगता है। जा रहे अहम आवाम और वयम आता है यानी कि ये उत्तम पुरुष के बारे में आपको लिखा गया है, पर पहलो पुरुष या उत्तम पुरुष कहते हैं तो उसके अंदर आपको जिस तरह से लगा पर बताया गया आमी आव और म लगाना है। हम वाक्य में वपराय छे क्या वचन मुजब क्रमशः पठती पठतः पठंती वो लगाना होता है जब थर्ड पर्सन होता है तब, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान से समझनी है। आप प्रमाण वर्तमान काल का जो टेबल होता है उसके हिसाब से आप भविष्य काल भी बना सकते हो। वर्तमान काल का टेबल के अंदर जैसे यहाँ पर आमी लगाया है तो यहाँ पर आपको स्य लगा देना है तो बन जाएगा स्यामी, तो भविष्य काल का। वर्तमान काल में जैसे लट लगार है उसी तरह से वो भविष्य काल का बन जाएगा, तो यहाँ पर बन गया श्यामी श्यावह श्यामह। अब वापस यहाँ पर स्य लगा देंगे, जैसे यहाँ पर आ आता है तो हम वहाँ पर स्या लगाते हैं वन टू और थ्री के अंदर, तो इसके अंदर में स्य लगाना है स्य सी स्य थ स्य थ। उसी तरह से यहाँ पर स्यति स्यतः स्यंती, तो यही टेबल जो है उसके अंदर सिर्फ स से आगे लगा देने से भविष्यकाल का रूप बनता है, जिसके अंदर परस्मै ऊपर और आत्मनेपद भी हम बना सकते हैं। तो आगे हम उसको देखते हैं क्या यहाँ पर बताया गया है। ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है, और एक्सरसाइज आपको जब तक ये टेबल नहीं आएगा तब तक नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि देवगणाहा मेघाम खाली जीगा मतलब डैश, अब यहाँ पर दिया है यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। अब देवगणाहा है वो बहुत सारे लोगों को बताया गया है, देवगण मतलब देवताओं गण एक नाम है, तो नाम हमेशा किस में आता है थर्ड पर्सन में आता है यानी त्रिजा पुरुष में आता है। पर आप पर एक नथी देव बे देव नथी पर अगर घना बधा देव छे तो यहाँ पर उसके एंड में हम क्या लगाते हैं अंति लगाते हैं। तो ये जो ती है वो तो एक के हिसाब से बनेगा, तह दो के हिसाब से बनेगा, और बहुत सारे देवगण होने के कारण से हमारे कर्ता के हिसाब से क्रियापद बनता है तो आंसर बनेगा यच्छति। अब यहाँ पर देखो वयम दिया गया है, वयम का मतलब क्या होता है अभी हमने आगे सीखा यहाँ पर कि यहाँ पर होता है अहम आवाम और वयम, वयम यहाँ पर है तो वयम के साथ हमेशा क्या लगता है पूज्यामी पूज्यामह पूज्यति। तो यहाँ पर जो मह दिया गया है उसके हिसाब से हमें ध्यान में रखना है। उसी तरह से अधीशह, देखो अधीश एक नाम आया पर अधीशह एक ही लड़के के बारे में बताया गया है तो उसके एंड में क्या लगता है तो कि ती लगाया जाता है, तो उसके कारण से यहाँ पर बनेगा अधीशह के साथ गच्छति। फिर यहाँ पर दिया है हे छात्राः यूयम, अब यहाँ पर यूयम दिया है दैट इज क्या दिखा है यहाँ पर तो कि यहाँ पर दिया है त्वम युवाम यूयम, यूयम के हिसाब से क्या लगेगा तो उस हिसाब से हमें चेक करना है और यहाँ से बनेगा लिखतः। अब यहाँ पर साग साह बहुत सारे लोग हैं तो वापस यहाँ पर बनेगा गायंती। तो इस तरह से आपको वचन के हिसाब से और आगे जो करता है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्रियापद फिलअप करनी है। अब क्वेश्चन बताया गया है हस, हस को आपको बताया गया है ये जो हस है वो आपका है धातु रूप,
अब धातु रूप को क्या बनाना है, तो क्या अन्य पुरुष द्विवचन बनाओ, तो ये आपका अन्य पुरुष है, वहाँ पर द्विवचन बनाना है, तो क्या बनता है यहाँ पर, तो क्या तह बनता है, तो आंसर बनेगा आपका तह, असतह। अब यहाँ पर दिया है चल, मध्यम पुरुष बहुवचन में जाना है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है, तो के थ आता है, तो आपका आंसर बनेगा चलत। अब यहाँ पर एक खेल दिया गया है, उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो के मी वह मह, तो इस हिसाब से आपका बनेगा खेला वह। आगे दिया है खाद, अन्य पुरुष बहुवचन के हिसाब से देखे तो अन्य पुरुष बहुवचन में तो क्या आता है, अंति, खादंती। पा यानी कि पी यानी कि ड्रिंक जो होता है, पीने को हम कहते हैं उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष एकवचन के अंदर क्या होता है, तो क्या आमी लगाते हैं, तो यहाँ पर पिबामी। गच्छ या गम, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन में थह लगेगा, तो आपका आंसर बनेगा थ। हम यहाँ पर उत्तर चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर उत्तर बताया गया सबके सभी, गच्छति पूजयाम, गच्छति लिखतः, गायन्ति हसति, चिलामि खेलामः, खादन्ति पिबामि और गच्छतः। दूसरी एक्सरसाइज जो दी गई है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्रियापद है उसके हिसाब से कर्ता सेट करना है, तो यहाँ पर मी दिया गया है, तो देखो मी कहाँ के होता है, तो हम के साथ होता है, तो आंसर अहम बनेगा। यहाँ पर क्या दिया, तिष्ठा वह, अब तिष्ठा वह किसके साथ होता है, यहाँ पर जरा शांति से चेक करो कहाँ पर है, ये रहा वह, तो इसके हिसाब से इसमें क्या आता है, आवाम आता है, तो आवाम आएगा वहाँ पर क्रियापद, सॉरी कर्ता आएगा। अब यहाँ पर अहम दिया है, तो अहम के साथ कौन आता है, तो हम के साथ मी आता है, तो गच्छामि आएगा। अब यहाँ पर ती दिया है, ती किसके साथ होता है हमेशा, तो के सह के साथ होता है, तो यहाँ पर सह आंसर आएगा। वयम है, वयम किसके साथ आता है, पठम के साथ आता है, पठामह के साथ, तो यहाँ पर आएगा कथयाम। इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्ता होता है वो कर्ता को ध्यान में रखो, क्रियापद को ध्यान में रखो, और उसके हिसाब से हमारे कुछ इस तरह से आंसर बनेगा। हाँ, पर आपको जब तक ये आपको टेबल नहीं आएगा, ये कोष्ठक आपको लर्न नहीं होगा, मी व म सीता तत इत अंति, तब तक आपको आने वाला नहीं है। उत्तर यहाँ पर दिया गया है अहम आवाम, यहाँ पर दिया है गच्छा, अहम के हिसाब से गच्छामि आंसर आएगा ये वाला, यहाँ पर सह आएगा, यहाँ पर कथयाम। अब यहाँ पर दिया है भक्ता, हा आकारांत है, तो भक्तो स्त्रोत्र वाचे छे। दूसरा है छात्रो विद्यार्थिनी, यहाँ पर छात्रा दिया है, छात्र मतलब विद्यार्थिनी को कहते हैं, विद्यार्थिनी पत्र लिखती लखे छे। अहम मतलब के हूँ, गृह मतलब घरे जाऊ छू, वयम ईश्वर नमामः, हमें ईश्वर ने नमिए छे। सिंह वने वसती, सिंह वनमा रहे छे। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन है, अहम है, तो अहम अदिश है, तो अदिश के साथ कौन आता है, तो ती आता है, तो अदिश पठती। मृग मतलब हिरण होता है, तो मृग घास को तृण कहते हैं, तृणम खाय, हमेशा ये जो वर्ड होता है यहाँ पर बीच में उसको हम हमेशा कहते हैं कर्म, और कर्म में हलंत वाला म या बिंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका कुछ कुछ के आपको आंसर आने चाहिए, इसका संस्कृत में क्या मीनिंग बनता है, तो तृणम का मतलब होता है घास, तो मृग तृणम, अमृग एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से खादती लगाया गया है, जैसे अधिश एक वचन है तो पठती लगाया गया है, उसी तरह से त्रिषा एक वचन है, तो त्रिषा पशु ने जुए छे, त्रिषा पशुम पश्यति। अब यहाँ पर देखो बिंदी दिया गया है, यहाँ पर म दिया गया है, तो म और बिंदी हमेशा कर्म द्वितीय विभक्ति में आता है, याद रखना है। त्वम का मतलब होता है तू, तू शू खाए छे, त्वम किम खादसी, अब तू आया, दैट इज सेकंड पर्सन आया, सेकंड पर्सन के हिसाब से सी लगाया जाता है। अमे बदा, तो वयम विद्यालयम गच्छा मह आएगा, क्योंकि अमे बदा जो होता है वो यहाँ पर लगाया जाता है वयम के साथ, तो उसके साथ आएगा गच्छामः। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज के द्वारा आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ संस्कृत, जिसके अंदर वर्तमान काल के आधार पे हमने थोड़ी बहुत जानकारी भविष्य काल के बारे में ली। अब नेक्स्ट जो हमारा अभ्यास आ रहा है वो अभ्यास नंबर 2 है, जो संस्कृत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कहते ना जिसका फंडामेंटल बेस अगर क्लियर होता है तो वो सब्जेक्ट सीखने में बहुत ही ईजी रहता है। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा वो है स्टैंडर्ड 9 संस्कृत का अभ्यास नंबर 2, जिसके अंदर हम कारक विभक्ति के बारे में जानकारी लेंगे। आभार, धन्यवाद, आपका गुरु आपका मित्र महेंद्र जोशी। आशा करता हूँ आपको मैं पूरा अच्छी तरह से समझा पाऊंगा, कुछ भी अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, या मेरे से कुछ छोटी मोटी गलतियाँ रह गई है, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।